इंडियन एयरफोर्स अपने गोल्डन एरोस 17वीं स्क्वाड्रन को फिर से शुरू करने की तैयारी में है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ मंगलवार को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर एक समारोह में 17वीं स्क्वाड्रन को फिर से शुरू करेंगे। सत्रह स्क्वाड्रन को फिर से शुरू करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है राफेल विमान। दरअसल इस राफेल विमान के देश में आने पर स्वागत करने की तैयारी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। इस लिहाज से राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली गोल्डन एरो 17वीं स्क्वाड्रन की पहली इकाई होगी। 17वीं स्क्वाड्रन की स्थापना 1951 में की गई थी और शुरुआत में इसने हैवीलैंड वैम्पायर एफएमके 52 लड़ाकू विमानों की उड़ानों को संचालित किया था। लेकिन बठिंडा एयरबेस से संचालित होने वाली 17वीं स्क्वाड्रन को 2016 में बंद कर दिया गया था, जिसे अब फिर से शुरू करने की तैयारियां कर ली गई हैं। भारत को फ्रांस से पहला राफेल विमान इस महीने के आखिर तक मिल सकता है। आईएएफ ने राफेल विमान का स्वागत करने के लिए जरूरी तैयारियां कर ली हैं, साथ ही पायलटों की ट्रेनिंग समेत सभी औपचारिक तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राफेल विमान के पहले दस्ते को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में तैनात किया जाएगा। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में गिना जाता है। राफेल विमान की दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के आसीमारा केंद्र में तैनात रहेगी। इंडियन एयरफोर्स के जखीरे में राफेल के शामिल होते ही आईएएफ की ताकत में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट R90।